दोस्तों मोटापा यानी कि जिसको अंग्रेजी में ओवरवेट कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, वजन बढ़ना हिंदी में कहते हैं। अब देखिए वजन कई जगहों में बढ़ सकता है, जैसे कि टांगों में, कूल्हों में, जांघों में, आपके पेट के अगले हिस्से में, साइड वाले हिस्से में जिसको लव हैंडल्स बोलते हैं, अगले हिस्से वाले को बेली फैट बोलते हैं। अब इसके कारण कई सारे होते हैं, लेकिन आपने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियोज देखी होंगी जहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये ड्रिंक पी लीजिए, इस मैजिकल ड्रिंक को अगर आप पी लेंगे तो रातों रात आपकी चर्बी गायब हो जाएगी। आप लोगों को भी पता है, आपने ट्राई करके देखा होगा कि उससे कितना आपको फ़ायदा होता है। आपको भी पता है आप मायूस हो जाते हैं, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदयम के माध्यम से बताने वाले हैं कुछ ऐसे अद्भुत प्रयोग जो कि इतने तेजी से यानी कि 1 से 2 हफ्ते के भीतर भीतर 7 से 10 किलो आपका वजन कम करेंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत किस तरह से करनी है, पहले कारण जानिए कि आपके बॉडी में चर्बी एक्युमुलेशन होती क्यों है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ी सी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पूरे दिन की दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और क्या क्या खाना है आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपके बॉडी में चर्बी एक्युमुलेशन, फैट एक्युमुलेशन होती क्यों है। दोस्तों देखिए कई कारणों से हो सकती है। पहले तो जेनेटिक कारण से, अगर आपके माता पिता में से किसी को, भाई बहन में से किसी को या पूरे परिवार में अगर मोटापे की समस्या पहले से ही रहती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी मोटापा बढ़ेगा उम्र के साथ साथ में। अब देखिए इसको भी ठीक किया जा सकता है, इसको भी नियंत्रण में, कंट्रोल में लाया जा सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि आपका जो डाइट होता है इतना ज़्यादा बेकार होता है, ऑयली होता है, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या कि कैलोरिक डाइट आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैलोरीज का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठूसते रहते हैं। और ऊपर से आजकल शारीरिक श्रम यानी कि शरीर से की गई मेहनत आज से 200 साल पहले के मुकाबले कम से कम 50 गुना कम हो चुकी है। अब देखिए अगर आप शारीरिक मेहनत कम करेंगे, दिमागी मेहनत ज़्यादा करेंगे यानी कि मेंटल मेहनत ज़्यादा करेंगे तो दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपके पाचन क्रिया के काम करने का तरीका। देखिए मेटाबॉलिज्म जिनका बहुत ही धीरे हो जाता है, जिनका बहुत ही स्लो हो जाता है, उनको मोटापे की प्रॉब्लम होती है, और जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो जाता है उनका वजन बहुत ही कम हो जाता है, वो दुबले पतले हो जाते हैं यानी कि नॉर्मल से भी वजन कम हो जाता है। ये दोनों ही समस्याएं हैं, दोनों ही बीमारियां हैं। इसीलिए आपको क्या काम करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए ही यानी कि जड़ को पकड़ने के लिए मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां भी बताऊंगा, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताऊंगा, क्या क्या खाना चाहिए पूरे दिन में वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो कि आपके शरीर में चर्बी को एक्युमुलेट होने से रोकती हैं उनका आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं, देखिए अश्वगंधा की जो जड़ी बूटी होती है वो वजन को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अश्वगंधा के जो लीव्स होते हैं, अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं, अगर आप उनको किसी भी पत्थर की लंगरी में, इमाम दस्ते में कूट करके 5 से 6 अश्वगंधा के पत्ते आपको ले लेने, धो करके किसी भी पत्थर के सिलबट्टे में, लंगरी में, इमाम दस्ते में कूट करके हल्के गुनगुने पानी में मिला करके नींबू के साथ और शहद के साथ में प्रयोग करते हैं तो इतना गजब का, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में, आपकी चर्बी को, आपकी फैट एक्युमुलेशन को डिसॉल्व करने में, घटाने में, वो भी तुरंत यानी कि विद इन ए वीक, आप मान के चलिए 2.5 से 3 किलो कम से कम बोल रहा हूँ विदाउट कुछ किए, एक्सरसाइज किए आपका कम हो जाएगा। दोस्तों इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन ये अश्वगंधा के पत्ते की जड़ी बूटी होती है। ये तो होगी जड़ी बूटी, लेकिन नींबू के साथ में, शहद के साथ में मिलाना गलती से भी ना भूलें। एक बात का ध्यान रखें,
अगर शहद के बीच में चीनी मिलाई होगी, जो कि बहुत सारी कंपनीज आजकल मिलाती हैं, तो वजन उल्टा घटने के बजाय बढ़ेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जंगली शहद जितना ज़्यादा हो या जिस कंपनी पे आप बहुत ही हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो शुद्ध शहद, शुद्ध यानी कि प्योर हनी देती है, उसी से आपको खरीदना है हनी। ये तो दोस्तों हो गया आपका सुबह उठने के बाद प्रयोग, यानी कि जैसे आप सुबह उठते हैं उस टाइम आपको कौन सा प्रयोग करना। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा वजन घट जाएगा इतना करने से, नहीं, ये तो हो गई सिर्फ 20% काम। अब आइए जानते हैं बाकी का काम क्या होता है। 80-90% ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह का भोजन आपके शरीर के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भोजन सही है तो मान के चलिए आपका वजन नहीं बढ़ सकता। दोस्तों भोजन सही होने का मतलब क्या होता है? ऐसा भोजन जिससे पेट भी भर जाए और उसकी कैलोरीज भी कम हो और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भोजन हो। अब जिनका वजन बहुत ही बड़ा है उनके लिए मैं दो चीज़ें बताता हूँ। सुबह या तो नारियल पानी आपको पीना है और 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। 8 बजे आपको या तो नारियल पानी पीना है, बीच में आपको कुछ नहीं डालना है, नमक नहीं डालनी है, मिर्ची नहीं डालनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलानी है नारियल पानी के बीच में। या तो पेठे का रस, जिसको इंग्लिश में एश गार्ड भी बोलते हैं या फिर विंटर मेलन भी बोलते हैं, पेठा, दोस्तों आगरे की पेठे की मिठाई आपने सुनी होगी, आप नेट पर सर्च कर लीजिए कि पेठे की मिठाई किस चीज़ से, किस फल से बनती है, उसको पेठा ही कहते हैं दोस्तों, राख लौकी भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों आपके वजन को घटाने के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको अस्थमा की समस्या है या जिनका शरीर बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, उसको पेठे के रस के बीच में थोड़ी सी काली मिर्च या फिर शहद मिला करके अवश्य प्रयोग करना चाहिए, ताकि पेठे का जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसको ये कम कर सके। अब देखिए अगर आप बीच में शहद या फिर काली मिर्च मिलाएंगे तो ये आपको सर्दी या अस्थमा में समस्या नहीं करेगा। दोस्तों ये जो पेठे का जूस होता है, अगर आप इसके बीच में केले की डंडी का रस या फिर केले की डंडी का जो रस होता है उसका चूरन अगर इसके बीच में मिला करके पीते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपके वजन को घटाने में मदद करता है। ये मैं आपको घरेलू प्रयोग बता रहा हूँ। देखिए ऐसी कोई भी मैजिकल ड्रिंक नहीं होती जो कि आपका वजन घटा देगी, लेकिन ये मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में मेंशन की गई हैं। अब ये तो दो चीज़ें हो गई दोस्तों, आपको मैंने जो पीने की बताई, आपका ये मॉर्निंग का डाइट रहेगा। इसके बाद 10 बजे क्या करें, सैलेड खाएं, जिसमें आप सैलेड में कुछ मौसमी जैसे फल हो सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्मियों के मौसम में जो संतरे आपको मिलते हैं, मौसमी मिलती है, अनार मिलते हैं, कोई भी फल, एक से दो फल आपको लेने हैं, खीरा हो गया, टमाटर हो गए, इसके अलावा मूली हो गई, बहुत अच्छी होती है मूली भी आप खाएं, गाजर खाएं। इसके बाद में दोस्तों जो नारियल होता है, ताज़ा नारियल, जो हरे वाला नारियल होता है, उसका पानी पीने के बाद उसके अंदर से जो गिरी निकलती है, उसकी जो गरी होती है वो निकलती है, इसको भी काट करके अगर आप छूर करके यानी कि ग्रेट करके ऊपर डालते हैं सैलेड के बीच में खाते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है जो वज़न घटाना चाहते हैं। साथ में दोस्तों वजन को तो घटाएगा लेकिन चेहरे पे इससे जो ग्लो आती है ना दोस्तों, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आपके चेहरे पे ओज, तेज नूर और आपके स्वास्थ्य या आपकी हेल्थ इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों दोपहर में एक से दो रोटी खा ली, रोटी आपकी मल्टीग्रेन होनी चाहिए, यानी कि कभी ज्वारे की खाएँ, कभी बाजरे की रोटी खाएँ, कभी गेहूँ की रोटी खाएँ, कभी मक्की की रोटी खाएँ, एक रोटी का प्रयोग कभी ना करें। साथ में नॉर्मली वही जो आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जिसमें मसाला, मिर्च और नमक थोड़ा कम होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और साथ में दोस्तों तेल का प्रयोग ना करें, अगर आप चाहें तो देसी घी। अब देखिए काफ़ी लोगों को ये भ्रांति है कि देसी घी से वजन बढ़ता है, गाय का शुद्ध देसी घी आप तो पहले मिट्टी के बर्तन में बिना तेल के खाना पकाइए, ऊपर से जब आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा देसी घी गाय का शुद्ध आपको मिलाना चाहिए, वो सेवन करना चाहिए। क्यों? वजन भी कम रहेगा, ज़्यादा इसमें फैट नहीं होता दोस्तों, हेल्दी फैट होता है जो कि शरीर को ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा तेल ही खाने से निकाल देना है, ये भी नुकसानदायक होता है, तो देसी घी का प्रयोग करें ऊपर से। कितना लेना है? बहुत ही मोटे हैं तो आधा चम्मच ले लीजिए, बहुत कम ले लीजिए, मन नहीं करता है तो एक से दो बूंद डाल लीजिए, लेकिन डालना है क्योंकि हेल्दी होता है। अब इसके अलावा चावल थोड़े से कम प्रयोग करें जो लोग वज़न को घटाना चाहते हैं, मल्टीग्रेन रोटी खाएंगे तो अच्छा होता है। वैसे राइस भी खा सकते हैं, स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट माइंड का यूज़ करिए। चावल खाने का मन है तो 3-4 चम्मच चावल डाल लीजिए प्लेट के बीच में, वो खा लीजिए, इससे वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपके मन की भी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा अब मेन चीज़ आती है एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम कौन सा करना है, जो कि अति महत्वपूर्ण है,
अति मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भूल जाइए, आपका वज़न घटेगा। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो भी इतना ज़्यादा असर नहीं करेंगी अगर आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सुबह उठने का छोड़ दीजिए, रात को सोने का ध्यान रखिए। आपको कैसे भी करके 9 बजे तक सोने की, 9:30 बजे तक मैक्सिमम सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी नींद जवान उम्र में, जवान अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे ही होती है। 9 बजे सो जाएंगे तो आराम से सुबह 4 से 5 बजे के भीतर भीतर देखेंगे आप कुछ ही हफ्तों के भीतर भीतर बिना अलार्म के, अलार्म ना लगाएं, अलार्म से उठने से चिड़चिड़ापन होता है, इसलिए अलार्म को बंद कर दें। अपने मन में ही ये संकल्प करें, ऊपर वाले को बोलें कि मुझे सुबह उठा देना, देखना कैसे उठाते हैं आपको। दोस्तों ये बोलने के बाद आपको क्या करना है, सुबह जैसे आप उठ जाते हैं थोड़ी सी आपको सूरज की किरणें लगानी है अपने शरीर में, जो कि अति आवश्यक होती है। थोड़ी सी ताज़ी हवा लगानी है, थोड़ा सा नंगे पैर मिट्टी में चलना है। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, इसको भूत शुद्धि बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा जितना हो सके सुबह मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर जॉगिंग करें, नहीं तो रनिंग करें। आपको पसीना निकालना ही निकालना है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन अपनी अच्छी करनी ही करनी है, बहुत ही अति आवश्यक होता है। इसके अलावा जो लोग प्राणायाम करना चाहते हैं, जिनको नहीं आता यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा होता है वजन को घटाने के लिए। तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। अगर ये सभी चीज़ें आप करते हैं जो कि मैंने आपको बताई, इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है आपकी लाइफ में, मज़े से खुश रहते हैं, तो डेफिनेटली मैं विद इन वीक्स कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि महीनों लगेंगे, एक हफ्ते के भीतर भीतर ही आपको फर्क दिखेगा दोस्तों। यकीन करें 3 से 4 से 5 किलो तो बड़ी आम बात है अगर आप पहले दिन से ही इस रूटीन को फॉलो करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि वजन घटाने से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड, यानी कि अपनी चर्बी को कम करने से संबंधित आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।